जयपुर में जयसिंहपुरा कोर में सरणकार समाज ने मनाया दिवाली। स्नेह मिलन समारोह अमेल के भाजपा प्रत्याशी बाल मुकुंद आचार्य पहुंचे आयोजन में। जयपुर के जयसिंहपुरा कोर में स्थित तेजाजी मंदिर प्रांगण में मेड क्षत्रिय सरणकार समाज जयसिंहपुरा कोर द्वारा आयोजन सरणकार समाज स्नेह मिलन समारोह में अमेल के भाजपा विधायक प्रत्याशी बाल मुकुंद आचार्य कार्यक्रम में पहुंचे, जहाँ मौके पर समिति के अध्यक्ष लालचंद भामा सुमेर मोनूसन समिति सदस्य ने बाल मुकुंद आचार्य का स्वागत किया। इस मौके पर सुमेर मौसुन राकेश संकत प्रदीप दावा नरेश सोनी सुरेश सोनी महेश सोनी साथ ही शामरा सुंदर जोड़ा कमलेश सोनी सही समाज के करोड़ों लोग उपस्थित रहे। दूसरों मेरे विधानसभा को संकल्प है, विधानसभा में विजयी हुए बाद में शपथ ग्रहण कर बाद में जनवरी में राम जी बैठ सी और फरवरी से मे लोग प्रत्येक विधानसभा में अमावासी विधानसभा में प्रत्येक मंडल में प्रत्येक क्षेत्र में मातृशक्ति ने फ्री में निःशुल्क राम जी का दर्शन करावाना अयोध्या ले जैसे हम आपको मातृशक्ति जितनी भी अपनी सबने में बढ़े अयोध्या ले जैसे राम जी का दर्शन करा फेरी लगवा परिक्रमा करा लैसा वो माँ को संकल्प है और राम जी से थे सारी प्रार्थना करो काल भैया दो जो महा जी मांग लो ये प्रार्थना करो कि 3 तारीख ने कमल खिले और बालाजी मेरे पर कृपा करें और फिर आप सब समाज द्वारा एक होली दीपावली मिला, आप पहुंचे यहाँ पे क्या कहेंगे, इतना हुजूम है। स्वर्णकार समाज के द्वारा आज खोर में ऐतिहासिक आयोजन था। हवा महल विधानसभा के समस्त बंधुवर प्रबुद्ध नागरिक जन मातृशक्ति उपस्थित थी। दिवाली स्नेह मिलन समारोह जो आयोजन है वो उसके पीछे उद्देश्य था कि आपस में भाईचारा प्रेम बन रहे और लक्ष्मी जी की जो आशीर्वाद लिया एक दूसरे को बांटे यही था। लेकिन साथ में आज विशेष बात ये हुई कि मैं हवा महल विधानसभा का प्रत्याशी हूँ भाजपा की ओर से, कमल के फूल मुझे चुनाव चिन्ह मिला है और कमल के फूल पर इनका विश्वास है और इनका विश्वास जो है वो मुझे मिला है। संपूर्ण स्वर्णकार समाज ने मुझे यहाँ विश्वास और आशीर्वाद दोनों प्रदान किया है कि कमल का फूल पर हम लोग 100% सारा स्वर्णकार समाज हवा महल विधानसभा का मतदान करेंगे और भाजपा के पक्ष में मतदान करके भाजपा के प्रत्याशी को हम जिताएंगे। ये उन्होंने यहाँ आज हमें विश्वास भी दिया है, संकल्प भी लिया है। आज यहाँ आप जनसंपर्क के लिए आए हैं तो इसके बारे में जानकारी दें। जय सियाराम, मैं यहाँ पे खोर के अंदर जनसंपर्क के लिए आई हूँ क्योंकि सनातन धर्म को जगाना है। महाराज श्री जो कार्य कर रहे हैं वो सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति को जागरूक करना भी आवश्यक है क्योंकि हमें सख्त आवश्यकता है, क्योंकि जिस परिवेश में इस समय हम रह रहे हैं तो मुझे लगता है हर हिंदू वर्ग को जागना पड़ेगा और सनातन धर्म को जगाना पड़ेगा, तो मंदिरों से हमें जुड़ना पड़ेगा और सभी महिलाओं को घर घर जाके जगाना पड़ेगा।